हमारे साथ अभी मंजुला जी हैं और इनसे हम बात करते हैं कि इन्होंने एक थोड़ी देर पहले नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, उसमें उससे पहले ये क्या कर रही थी, तो ये प्रोजेक्ट इन्होंने क्यों स्टार्ट किया, क्या प्रोजेक्ट स्टार्ट करने का इनको जहन में कैसे आया इनके? मंजुला जी, वेलकम टू द नेशनल बस। अभी आपने कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, इससे पहले आप क्या कर रही थी? इससे पहले मैं HR में थी, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, जिसमें मैंने डिफरेंट कॉर्पोरेट्स के साथ और एजुकेशन सेक्टर के साथ काम किया है। 8 साल मेरा HR का अपना एक्सपीरियंस रहा है। उसके बाद फिर आई लेफ्ट माई जॉब और मैंने ये अपना एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया द ट्रांसफॉर्मर्स वैल्यू क्रिएटर्स के नाम से, जो कि एक लाइफ स्किलिंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रेनिंग वेंचर है, जहाँ पे हम सब एज ग्रुप्स को केटर करते हैं। छोटे से छोटा 3 साल की उम्र से लेकर 80 साल तक के, मतलब रिटायर्ड प्रोफेशनल्स के साथ भी हम लोगों ने ये ट्रेनिंग्स कंडक्ट की हैं, जहाँ पे हमारा जो मेन मोटो है, मेन मिशन है, वो ह्यूमन वैल्यूज़ को इनकलकेट करना है और कैरेक्टर एजुकेशन, जो कि हमारे मेन एजुकेशन सिस्टम में ही कहीं मिसिंग है। पहले हमने शुरुआत में यही सोचा था कि हम सिर्फ स्टूडेंट्स को या स्कूल सिस्टम को केटर करेंगे, लेकिन फिर हमें मतलब एहसास हुआ कि एक तरह का वैल्यू सर्कल है, जिसमें जब तक कि हमने उन स्टूडेंट्स के टीचर्स, उनके पेरेंट्स, सबसे सबको इंक्लूड नहीं कर लिया, तब तक इसका जो कंप्लीट इन्फ्लुएंस है वो नहीं निकल कर आएगा। तो आज कहीं ना कहीं 3 साल पुराना ये हमारा वेंचर है और इन 3 सालों में हम हर एज ग्रुप के साथ, हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर चुके हैं और तकरीबन 50,000 लोगों को हम ट्रेनिंग्स ऑलरेडी दे चुके हैं। ये जब आपने स्टार्टअप किया कि गवर्नमेंट से भी कोई फंडिंग ली या आपकी सेल्फ 100% सेल्फ फंडिंग है? नहीं, ये सारा सेल्फ सस्टेन्ड है, हमें किसी तरह का कोई गवर्नमेंट बैकिंग नहीं है। हम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के साथ टाई अप में ज़रूर काम करते हैं, हमारा यही वर्किंग मॉडल है। हम लोग एक अकेडमी या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के साथ की तरह ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, हम लोग डिफरेंट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन या कॉरपोरेट्स के साथ टाई अप करके उनके प्रेमिस में जाके उनके लोगों के लिए इस तरह की ट्रेनिंग्स कोऑर्डिनेट करते हैं। लेकिन आज तो ये इसलिए बुलाया गया था कि स्टार्टअप के लिए जिनको गवर्नमेंट ने फंडिंग की है या जिनको गवर्नमेंट की फंडिंग चाहिए, क्या आप सोच रहे हैं गवर्नमेंट की फंडिंग लेने की या आपको कोई ज़रूरत नहीं है? नहीं, अब हम लोग फंडिंग के लिए तो नहीं, बट हम उस तरह से यस गवर्नमेंट के साथ मिनिस्ट्रीज लेवल पर जाके कनेक्ट होने का ज़रूर सोच रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारा ये मिशन है, जो आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी भी कहते हैं कि स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, उस चीज़ को केटर करता है। बल्कि हम बहुत सारी एंटरप्रेन्योरशिप वर्कशॉप्स भी कंडक्ट करते हैं डिफरेंट कॉलेजेस में जाके, तो आज हम लोग उसको हर तरह से प्रमोट कर रहे हैं। तो उसके लिए अब नेक्स्ट हम अपना जो मतलब स्केलेबिलिटी या अपना जो इन्फ्लुएंस वो सेंट्रल लेवल पर लेके जाना चाहते हैं। हम ऑलरेडी वैसे एक तरह से मतलब हिंदुस्तान के कोनों कोनों में पहुँच चुके हैं, पैन इंडिया ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन इसको और इम्पैक्टफुल बनाना और ज़्यादा मासेस को केटर करने के लिए हमें कहीं मिनिस्ट्रीज़ के साथ भी कनेक्ट होना पड़ेगा। मतलब ये है कि आप इसमें कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फंडिंग नहीं लेने जा रहे हैं और आप सेल्फ सफिशिएंट हो चुके हैं, और इसमें आपको क्या लगता है कि इस तरह के प्रोजेक्टों की और क्या स्कोप है? स्कोप बहुत है, मैं वही कहूँगी, आज सारी मेरे ख्याल से पूरा हिंदुस्तान स्किल इंडिया के बारे में बात कर रहा है, एंड पर्टिकुलरली जो डिफरेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं, नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल्स हो गई हैं, उसके साथ मतलब कहीं ना कहीं यस, और आज अब एवरीबडी हैज़ रियलाइज कि इंस्पाइट ऑफ सारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फिर भी कहीं ना कहीं जो हमारा यूथ है वो अनएम्प्लॉयड है, तो वही एम्प्लॉयबिलिटी कैपेबिलिटी को इन्हांस करने के लिए, उनके स्किल सेट को और सही करने के लिए हमारा रोल कहीं बहुत महत्वपूर्ण है। और हम प्राइमरली एटीट्यूड पे काम करते हैं, वही बात है, जहाँ हम बात करते हैं सक्सेस की, तो इट इज़ ओनली 20% ऑफ योर एप्टीट्यूड एंड 80% इज़ योर एटीट्यूड। तो आज हम उस 80% को केटर कर रहे हैं, जो कभी अभी तक हमारे शायद एजुकेशन सेगमेंट में भी जिसका कहीं गैप एग्जिस्ट करता है। अभी मंजुला जी ने बताया कि इन्होंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और उसमें इन्होंने कोई गवर्नमेंट की फंडिंग नहीं ली, 100% सेल्फ फंडिंग थी इनकी, और अभी 50,000 लोगों को ये ट्रेन कर चुकी है। इन्होंने बहुत एक अच्छी बात कही कि एटीट्यूड, और एटीट्यूड जो हिंदुस्तान में है वो इन्होंने ये रियलाइज़ किया कि 80% जो है लोगों का एटीट्यूड ही गलत है टूवर्ड्स वर्क, उनको अपनी कैपेबिलिटी नहीं पता है, उनको अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा, चाहे वो पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, चाहे टीचर्स हैं, कोई भी है। तो ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है, लेकिन इस बात से एक बात बाहर निकल के आ रही है कि मोदी जी के बहुत बड़े बड़े दावे हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी को पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, ये इस तरह के बहुत तरह के नारे दे रहे हैं, लेकिन
स्किल इंडिया में अभी तक कोई स्पेसिफिक पॉलिसी नहीं है वुमेन को लेकर के कि वुमेन को प्रेफरेंस दी जाए, वुमेन के लिए कोई स्पेशल पॉलिसी बनाई गई है। ये इस तरह की कोई पॉलिसी यहाँ पे बहुत सीनियर स्पीकर्स आए हुए थे, डिग्नेटरीज आए हुए थे, लेकिन किसी ने भी इस बात पे ध्यान नहीं दिया, ना ही किसी ने मेंशन किया। रमनीक मोंगिया, नेशनल बस के लिए, चंडीगढ़ से।